नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हर पार्टी के नेता अपने प्रचार कर रहे हैं। आज हरियाणा के सिटी जगाधरी में उप मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं और इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आम इंसान बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहा है। महंगाई से हर गरीब इंसान परेशान है। कहा, अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले महंगाई को कम करेंगे और मेरी पार्टी सिर्फ गरीबों के लिए और रहेगी। इंडियन लोकदल के राम आसरा, भारतवाज और पठान ने कहा, हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और अपनी पार्टी को हरियाणा में जिताएंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में जनता उपस्थित रही। सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहली कलम पे बुढ़ा बुढ़ी की पेंशन 7500 रुपए करेंगे, जो कि एक घर में 15000 रुपए आएगी। 15000 रुपए तो गुजारा हो जाएगा ना जी। तो ये तभी संभव होगा जो आप लोग सभी साथ देंगे, सभी चश्मे का बटन दबाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार लेकर आएंगे। साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ऐसी आंधी लाने दो जैसे यहाँ पर लिखा है लहर नहीं ललकार है, आपकी बार हरियाणा में इनेलो की सरकार है। साथियों, आपने सिद्ध करके दिखाना है और मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे कि हमारा सदस्य अभियान चला है, हमने सभी ने हर हल्के में 6000 सदस्य बनाने हैं और हम सभी ने एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर सदस्य अभियान को पूरा करना है और अपनी पार्टी को ऊंचा उठाना है। मैं सभी साथियों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव आप सर पर है और आप सभी ने चश्मे का बटन दबाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनानी है। मैं इन शब्दों से क्षमा चाहूंगा और आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो नारे लगाऊंगा, आपने नारों का जवाब हाथ उठा कर देना है। साथियों, कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सब ये कहता हूं कि आप सभी जो यहां पर बैठे हैं पदाधिकारी गण, अपनी गाड़ियों पे झंडा लगाएं, अपने घरों पर झंडा लगाएं, कोई शर्म की बात नहीं है। 10 अधिकारी 10 हमारे जो पदाधिकारी हैं, 10 गाड़ियां जो बाजार से निकलेंगी, झंडियां लगी तो देखेंगे यार इनेलो पार्टी की झंडी है। जब मैं कहीं जाता हूं हल्के में, झंडी वाली मेरे को कार दी जाती है, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है भी मैंने तो झंडी लगाई कि और मेरे साथी ने भी झंडी लगाई है। बड़ा हौसला बढ़ता है इस चीज से, झंडी से और झंडे से। घर पर झंडा लगाओ और अपनी गाड़ियों में भी झंडी लगाओ। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, धन्यवाद। साथियों, रिपोर्टर सतीश कुमार जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा। अभय सिंह चौटाला कुछ ही मिनटों में आपके बीच पहुंचने वाले हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो साथी पिछली कुर्सियों में बैठे हैं उनके आगे खाली पड़ी है, वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भाई। जो ये सारे साथी पिछले बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भाई, एक बार आगे आ जाए। जो आपके सामने खाली कुर्सियां पड़ी है इन पर बैठने का कष्ट करें, जो पीछे खड़े हैं वो भी साथी बैठने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जनता के बीच पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि, खेल रतन, जल योद्धा और आने वाली हरियाणा की सरकार के सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इस जनसभा में पहुंचने पर मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, सारी बॉडी की तरफ से और आप सब यमुनानगर जगाधरी के वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि 2-4 नारे लगाकर चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत किया जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, जय हिंद जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा
हमारे सीनियर नेता अश्विनी दत्ता जी से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।